मैं बार बार आपको अपने आग्रह निवेदन कर रहा हूँ कि आप कमेटी वाइस के अध्यक्ष सामने से आप थोड़ा जगह परिवर्तित कर रहे, बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है, आप थोड़ा जगह बदल रहे, हमें जो खिलाड़ी कोर्ट में है देखने में दिक्कत होती है, कृपया मेरे बातों को आप अन्यथा डाले, बहुत जगह है पेड़ में। ये दोनों टीमों के बीच मुकाबला जारी, अंपायर तथा चौकन्ना खिलाड़ी दूसरी तरह चौकन्ना, अब मैं कमेंट्री के लिए रमन भाई भाई और इस तरह से मैच शुरू हो चुका है। सर्विस होगी बैरिटी की तरफ से, बैरिटी बनाओ पीएनटी पटना के नीचे मुकाबला, अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाला, हर टच का इस्तेमाल और चुके इस गेंद पे सर्विस का मौका मिला है पीएनटी पटना को, सर्विस होगी पीएनटी पटना की तरफ से। दोनों टीमों को भी खाता खोलना है, 0-0 का स्कोर, 15-15 का से बढ़िया शॉट दिया है, क्या शानदार प्रहार किया है। और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि जो टीम इसमें से हारेगी वो ग्राउंड में ही रुकी रहेगी, जो टीम हारेगी वो ग्राउंड में ही रुकी रहेगी। अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाला, हर टच का इस्तेमाल किया, सही ने गेंद को संभाला, हल्का सा क्रॉस, मौका हो सकता है पीएनटी पटना के लिए, हर टच का इस्तेमाल, कामयाबी हाथ लगी है, सर्विस चेंज कराने में कामयाब, 0-0 का स्कोर। वाकई में मुन्ना प्रधान की जितनी तारीफ की जाए कम है, जब यहाँ दर्शक, कोई दर्शक नहीं था तब से वो आकर के इस टूर्नामेंट में बने हुए हैं श्री मुन्ना प्रधान साहब, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और फर्दा का इस्तेमाल, सर्विस चेंज कराने में कामयाब, और जनाब डॉक्टर याजुद्दीन साहब इस टूर्नामेंट में बने हुए हैं, इनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो 0-0 का स्कोर, अभी दोनों टीमों को खाता खोलना है, 0-0 के स्कोर पे है ये टीम, सर्विस के लिए तैयार, पीएनटी पटना की तरफ से सर्विस, सर्विस को संभाला सईद ने, और सईद ने ये उछाली गई है, 8 नंबर के खिलाड़ी मिस्टर सईद, सर्विस चेंज कराने में कामयाब, अभी खाता खोलना है, सर्विस होगी बैरी डी की तरफ से, अच्छी सर्विस, और ये सईद हल्का है, फिर चतुराई बना हुआ गया है, कामयाबी हाथ लगी, खाता खुला बहन बैरी भी का, सर्विस सईद की सर्विस, सर्विस को संभाला, बैक काउंटर को चाली गई गई, बढ़िया साथ दिया है, बैक काउंटर ने सर्विस चेंज कराने में कामयाब, 0-1 का स्कोर, कांटे का मुकाबला ये चलेगा, कांटे की टीम पीएनटी पटना की तरफ से सर्विस, काउंटर को उछाली गई गई, बढ़िया शॉट लेकिन सुंदर डिफेंस, सिकंदर का इस्तेमाल लेकिन बढ़िया ब्लॉक, जबरदस्त ब्लॉक, कितने ब्लॉक करती रे सांबा सरदार, ये फिर भी पकड़ा गया, और इस तरह से सर्विस का मौका मिला है बैरी को, और श्री मुन्ना प्रधान जी की तरफ से पटना के 11 नंबर खिलाड़ी को 100 रुपए का इनाम आ चुका है, लगातार खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं श्री मुन्ना प्रधान, 0-1 का स्कोर, और ये टूर्नामेंट आप ही लोग के सहयोग से चल रहा है, सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो भी होते हैं सहयोग से होते हैं, सहयोग होना चाहिए, और इस तरह से 1-0 का स्कोर, सर्विस के लिए तैयार, अच्छी सर्विस बैरिटी की तरफ से, बैक काउंटर काम चाली गई गेंद, हल्का सा ड्रॉप, बॉल आउट का इशारा, नो डाउट बॉल आउट, 1 पॉइंट का इजाफा हुआ, बैरिटी का बढ़ता हुआ स्कोर, 2-0 का स्कोर, सर्विस के लिए तैयार, अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाला, फटा
का इस्तेमाल किया है, क्या शानदार चकमा दिया है ब्लाटर को, सर्विस चेंज कराने में कामयाब, 0-2 का स्कोर। अगर इस मैच में कोई सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला है तो वह है स्कोरर महोदय। वाकई में बहुत अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं भाई, लोगों को चाय आप लोग पिलाते रहे स्कोरर महोदय को, नहीं भग गए तो फिर काम बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा। हमारे बीच में जिला पंचायत सदस्य श्री गोविंद यादव जो राष्ट्रीय पहलवान है, गोधा से आप सदस्य जिला पंचायत है हमारे बीच आए हैं, अस्था कालम मैं चाहूंगा कि आपको अतिथि देवता में जगह दे। गोविंद यादव राष्ट्रीय पहलवान आप गोधा से सदस्य जिला पंचायत है, मैं आपको आपका इस कमेटी के माध्यम से सही से धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला है। ये इस प्रकार पटना का स्कोर 1, मेरिटी आजमगढ़ का स्कोर 2-1 के स्कोर पर दोनों टीमें जूझती हुई कमेंटी के लिए रमन भाई। सर्विस के लिए तैयार, अच्छी सर्विस, सही से गेंद को संभाला, सही के लिए उछाली गई गेंद, बढ़िया शॉट दिया है, चेक आउट का इशारा, सर्विस चेंज सर्विस का मौका मिला है बैरीडी को। बैरीडी आजमगढ़ पीएनपी पटना बिहार के बीच मुकाबला, सर्विस के लिए तैयार उत्तर प्रदेश बनाम बिहार के बीच मुकाबला चलता हुआ, बढ़िया शॉट दिया है, उसके पीछे खिलाड़ी गेंद को संभाला, हल्का सा क्रॉस पटना के कोर्ट में गए, पटना के कोर्ट में गेंद, मौका हो सकता है पटना के लिए, काउंटर को उछाली गई गेंद और ये बाल नेट आउट का इशारा हुआ। रेफरी महोदय की निगाहों से बचना बहुत मुश्किल, पास है इनके पर नजरों से दूर लगती है, प्रेमिका इनकी या साली जरूर लगती है, जब ऊंचाई पे चले जाते हैं रेफरी साहब तो गेंद भी इनको करीना कपूर लगती है। सर्विस के लिए तैयार, अच्छी सर्विस और बढ़िया ड्रॉप, सुंदर ड्रॉप दिया है, क्या शानदार ड्रॉप दिया है, 2-1 का स्कोर। सर्विस के लिए तैयार, 2-1 का स्कोर, सर्विस के लिए तैयार है मिस्टर सईद, सईद की सर्विस आरएसएस उत्तराखंड टीम के कैप्टन अपने आप को तैयार रखेंगे। इस मैच के तुरंत बाद आरएसएस उत्तराखंड और इसमें से जो भी टीम रनर उनका मैच होगा उसे आरएसएस से चाहूंगा ये अपने को तैयार रखेंगे। ये मैच बैरीडी आजमगढ़ पीएनटी पटना के बीच 3-1 के स्कोर पर दोनों टीमें जूझती हुई और इस प्रकार सर्विस चेंज बैरीडी आजमगढ़ का स्कोर है 3, पीएनटी पटना का स्कोर है 1, एक टीम के स्कोर पर दोनों टीमें इस मुकाबला नंबर के खिलाड़ी पीएनटी पटना की तरफ से सर्विस होगी। बैरीडी आजमगढ़ लेकिन आउट कॉल और सर्विस चेंज, बैरीडी आजमगढ़ का स्कोर है 3, पीएनटी पटना का स्कोर 3-1 के स्कोर पर दोनों टीम अपना दमखम दिखाती हुई लेकिन उतना ही अच्छा प्रदर्शन और सर्विस अपने पक्ष में कराने में कामयाब पीएनटी पटना के खिलाड़ी। तमाम इस अतिथि दीर्घा में बैठे हुए अपने मेहमानों से इस दरगाह के बंधुओं से मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो रहा है आप सबके सहयोग से हो रहा है, आप सबका सहयोग इसी तरह हमें मिलता रहा तो आगामी वर्षों में इससे बढ़िया वॉलीबॉल टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय पहलवान श्री गोविंद यादव सदस्य पंचायत गोठा आप हमारे बीच मौजूद है। हमारे बीच में रामसभा दरगाह के प्रधानमंत्री श्री लक्ष्मण वर्मा जी भी मौजूद है, मैं भी आपका इस ग्राउंड पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आपकी कड़ी मेहनत लगन के बदौलत यह मैच कामयाब होता दिख रहा है, मैं प्रधान जी का भी अपनी कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में परिया के पूर्व प्रधान श्री राकेश
मनोज सिंह जी, श्री सुनील मौर्या जी, भूपेंद्र यादव, प्रमोद मिश्रा जी, डॉक्टर श्रीकांत पांडे जी, डॉक्टर नासिर अली साहब, मुद्रा प्रधान पूरा साई जी, श्री चंद्र किशोर पांडे जी, तमाम अतिथियों का मैं अपनी कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूँ। बरेली के शहीद नाम के जो खिलाड़ी हैं, चिकड़ीकोर के मनोज सिंह साहब के तरफ से, मंटू सिंह के तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार मिला है। खेल समाप्त होने के बाद वो अपना पुरस्कार ले लेंगे। दोनों टीमें अपना जोरदार प्रदर्शन के बदौलत 4-3 पर मैच को आगे ले जाते हुए रेफरी का विजिट हुआ। बरेली की तरफ से सर्विस पटना के लिए उतनी अच्छी बॉल लेके एक पॉइंट अर्जित करने में बरेली सफल। स्कोर है 5-3 का। बरेली के तरफ से सर्विस और उतनी अच्छी बॉल लेके उसको अपने पक्ष में सर्विस करने में क्या हुआ पीएनपी पटना के खिलाड़ी। स्कोर है 5-3 का। हमारे बीच में सोनू राय आप मौजूद हैं जो पेप्सी एजेंसी के आप मालिक हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोनों टीमें दमखम दिखाती हुई 5-3 स्कोर है। बरेली आजमगढ़ का स्कोर है 5, पीएनटी पटना का स्कोर है 3। बहुत ही जोरदार मुकाबला आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आरएसएस उत्तराखंड की टीम अपने आप को तैयार रखे इस मैच के तुरंत बाद। आरएसएस उत्तराखंड और इसमें से जो भी टीम रनर रहेगी उनका मुकाबला होगा, इसलिए अपने आप को आरएसएस उत्तराखंड तैयार रहे। हमारे फील्ड में व्यवस्थापक नूर आलम खान मौलाना मामू फील्ड का निरीक्षण करते हुए खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करते हुए तमाम दर्शकों के अंतर्गत कोलाहल की देखते हैं ये दोनों टीमों में कौन मैच जीतता है। उतनी चहल पहल दोनों खिलाड़ियों के तरफ, दोनों टीमों के तरफ बढ़िया प्रदर्शन। स्कोर 5-3 और इस प्रकार पीएनटी पटना एक पॉइंट अर्जित करने में सफल। 4-5 दोनों टीमें एक दूसरे से कम नहीं है। हमारे बीच में हमारे कमेंट्री बॉक्स पर जस्ट साइकिला के डॉक्टर अबरार लारी मौजूद है, उनका भी मैं अपनी कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और जिन मरीजों को साइकिला की बीमारी हो रविवार और मंगलवार को संपर्क कर सकते हैं। हेलो, कमेंट्री के लिए रहमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काउंटर पहुंचाने के लिए बढ़िया साथ लिया है और एक चीज देखने को आज कम मिल रही है, मौलाना महबूब साहब डॉक्टर अबरार लारी साहब आज को सुस्त नजर आ रहे हैं। इसके पहले जो टूर्नामेंट हुआ था तो वाकई में बहुत जलवा बिखेर रहे थे, लेकिन आज कुछ क्या जबरदस्त प्रहार हुआ है। लेकिन इस टूर्नामेंट की अध्यक्षता कर रहे हैं जनाब मौलाना महबूब साहब की अध्यक्षता में ये टूर्नामेंट हो रहा है। 50 रुपए का इनाम आ चुका है तो इनके तरफ से भी हमारा खाता खुल चुका है। भाई काउंटर को चाली गई गई अंदर में ट्राई कर बैठे, एक पॉइंट का इजाफा हुआ 6-4 का स्कोर। खेल भाई और इस ग्राम सभा के शानदार ग्राम प्रधान श्रीमान लक्ष्मण वर्मा साहब की जानिब से शहीद के लिए 100 रुपए का इनाम आ चुका है। और नजरे आलम शहीद के लिए 100 रुपए का इनाम। और मैं बता दूं कि इस ग्राम सभा की ग्राम प्रधान श्री लक्ष्मण वर्मा साहब भी टूर्नामेंट में जुड़ चुके हैं, इनका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। 6-4 का स्कोर, सर्विस के लिए तैयार। बढ़िया सा और इस तरह से लवली माई हैंड सर्विस चेंज कराने में कामयाब। पीएनटी पटना भी कम नहीं है, 4-6 का स्कोर है। कांटे का मुकाबला कोई किसी से कम नहीं, तुम डाल डाल तो हम पास पास। अच्छी सर्विस, बढ़िया साथ दिया है 9 नंबर की टीम खिलाड़ी ने। एक जाने को बैठक करते और इस तरह से
भैया जो तुम्हें बताऊंगा बच्चे तनिया बैठे दिए मत कर जैसे तू कहाँ कहती हटी है हटाबाद क्या था के उधर लाइन पर ध्यान दे श्री जगदीश प्रधान साहब सुल्तानपुर अगर हमारी आवाज सुना हो तो बड़ा मेहरबानी आप कमेंट्री बॉक्स में आप तशरीफ फरमा है मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ स्वागत करता हूँ सुंदर हिंद लगा भाई हिंद पॉइंट का इजाफा हुआ 8-5 का स्कोर सर्विसों की पहली डी की तरफ से और मैं बता दूं इस टूर्नामेंट में एक युवा चेहरा युवाओं की आन बान शान श्री अमित वर्मा साहब लगातार इस टूर्नामेंट में बने हुए हैं उनका भी मैं इस्तेमाल करता हूं भाई कंट्रीब्यूट शादी और श्री जगदीश साहब सुल्तान को इस टूर्नामेंट में बने हुए हैं कई माउट लिया गया है और मैं सच्चाई बताना चाहता हूं मौलाना महोदी और जिला प्रधान मौजूद हैं तो आइए कई माउट समाप्त होता फिर दोनों टीमें आमने सामने अच्छी सर्विस सर्विस को संभाला बढ़िया साहब लवली बड़ी है मैं इसे जरूर कहूंगा जहां के भी प्रधान इस टूर्नामेंट में जुड़े हुए हैं किसी से लड़ने का सामान बनाते रहना गांव में अपनी एक पहचान बनाते रहना और कोई भलाई का या बुराई का ऐसे प्रधानों को प्रधान बनाते रहना ऐसे प्रधानों को प्रधान बनाते रहना जो कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करते हो तो आइए एक बार फिर सर्विस के लिए तैयार सर्विस के लिए तैयार अच्छी तरह सर्विस को संभाला भाई काउंटर के लिए उछाली गई गेट बढ़िया साफ लगाई गई है क्या शानदार प्रहार किया है 9-6 का स्कोर और इस तरह से इस प्रोग्राम को देखते हुए इस व्यवस्था को देखते हुए श्री लक्ष्मण प्रधान साहब की जानी से मौलाना महबूब साहब को 200 रूपये का इनाम और हम तीनों कमांडेटरों को 100 रूपये का इनाम आया है उनके जाने से मैं उनका पहले दिन से इस तरह का काम स्वागत करता हूँ अरे एक बार फिर 9-6 का स्कोर है सर्विस की एंडी पर नगर से और जहां डॉक्टर रजदीन साहब और जहां डॉक्टर नासिर साहब यहां डॉक्टरों की बहुत लंबी लिस्ट है बहुत डॉक्टर यहां मौजूद है कोई घबराए ना भाई और डॉक्टर नारी साहब सबसे बड़े डॉक्टर हैं हमारे ठीक बगल में बैठे हुए हैं जनाब डॉक्टर लारी साहब अरे फीस घट गई है 50 रूपये हो गई है 6-9 का स्कोर सर्विस के लिए तैयार अच्छी सर्विस सर्विस को संभाला और ये चतुराई भरा प्यार प्यारा अंदाज है जारी रन ड्रॉप दे दिया है मिस्टर शहीद ने जनाब नूरेहाल इलम खान साहब मुस्कुराते हुए इस मैच को अपने निगाहों में कैद कर रहे हैं सर्विस के लिए तैयार अच्छी सर्विस सर्विस को संभाला
कांग्रेस ने उठाने के लिए बढ़िया साथ दिया है और इशारा किया है कि हम भी किसी से कम नहीं। तुम डाल डाल को हम मात्रा तीन का जवाब पत्थर से 6-9 का स्कोर सर्विस के लिए तैयार। सुरेंद्र भाई के नाम से शहीद के लिए 100 रुपए का इनाम। इस तरह से इनामों की यहां झड़ी लग गई है, इनामों की झड़ी लग गई है और प्लास्टिक में मूंगफली लग गई है। सर्विस के लिए तैयार। काउंटर के लिए उछाली गई है, बढ़िया साट दिया है, क्या शानदार प्रहार दिया, सर्विस चेंज कराने में कामयाब। 9-6 का स्कोर। अब तक का इस सबसे जबरदस्त ये मुकाबला और सबसे बढ़िया खिलाड़ी अब तक शहीद नजर आ रहा है। अंत तक देखना है। एक बार फिर शहीद के लिए उछाली गई, बहुत बढ़िया साथ दिया है शहीद ने। हल्का सा ड्राफ्ट देना चाहते थे लेकिन वही दबोचा, दोहरे अंक में प्रवेश कर चुकी है मेरी दी। और इस तरह से हरी बसराल के जानी से 100 रुपए का इनाम आ चुका है मिस्टर शहीद के लिए। और श्री प्रमोद मिश्रा साहब की जानी से मिस्टर शहीद के लिए 100 रुपए का इनाम। तो इनामों की आप बारिश हो रही है और बादल भी बहरा रहा है। किधर है जिस बात की डर है, जिस बात की वो बात भी हो सकती है। पहले जैसे यहाँ हालात भी हो सकती है। देखने वालों जरा खुद को संभाल के रखना, घटा लगी है तो बरसात भी हो सकती है। हल्का सा ड्रॉप, चतुराई भरा ड्रॉप दिया है और इतना से 1 पॉइंट का इजाफा हुआ। 7-10 का स्कोर सर्विस के लिए तैयार। सर्विस के लिए तैयार। अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाला और ये शहीद के लिए पकड़ेगा इस मार से। 1 पॉइंट और पीएनबी पटना के खाते में जोड़ता हुआ 8-10 का स्कोर है। मात्र 2 अंकों का फासला। सर्विस के लिए तैयार। मौका हो सकता है इस टूर्नामेंट को अपने निगाहों में कैद कर रहे हैं जनाब डॉक्टर नासिर साहब। सभी लोगों का इस टूर्नामेंट में बहुत बड़ा योगदान है। अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाला। हल्का सा ड्रॉप, मौका हो सकता है। बढ़िया साथ लिया है लेकिन गेंद को संभाल लिया है। एक बार फिर बहुत सुंदर प्रहार किया है मिस्टर मोहसिन ने। -4 का फायदा उठाया है। 11 का स्कोर सर्विस के लिए तैयार। 9 नंबर गेंद के खिलाड़ी सर्विस के लिए तैयार। अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाला। और दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई, लमसम 11,500 के आसपास दर्शक अब तक इस टूर्नामेंट में जुड़ चुके हैं। 6,500 क्षमता वाले स्टेडियम में लमसम 11,500 और बिलेट टिकट लेकर के इस टूर्नामेंट में आए हुए दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। 11 का स्कोर सर्विस के लिए तैयार। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। और इस तरह से वही दबोच दिए गए। ये चार्ट का इशारा, सर्विस चेंज। 8-11 का स्कोर सर्विस के लिए तैयार। ओहो, बहुत बढ़िया ड्रॉप, क्या शानदार ड्रॉप दिया है। सर्विस चेंज कराने में कामयाब। 11-8 का स्कोर। और इस तरह से जनाब डॉक्टर नासिर साहब की जानिब से हमारे कमेंट्री तक पहुंचा करके
करता हूं। सर्विस के लिए तैयार, अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाला, बढ़िया शॉट दिया है, क्या शानदार प्रहार किया है, सर्विस चेंज कराने में कामयाब। 8-12 का स्कोर सर्विस होगी पीएनबी पटना की तरफ से। इस मैच से जो टीम इस मैच में हारेगी वो ग्राउंड में ही बनी रहेगी। और इस टूर्नामेंट में श्री जगदीश प्रधान साहब का मैं इस्तकबाल करता हूं और इसी बीच हम लोगों के बीच सुल्तानपुर के बहुत बड़ी शख्सियत जगदीश प्रधान जी के इसमें शिरकत बनाए हुए हैं, बड़ा लंबा होना उनका भी सहयोग रहा। मैं कमेटी के जानी से तहे दिल से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और सुल्तानपुर के मोहम्मद तारिक भाई साहब की मैं इसको अपने निगाहों में कैद कर रहे हैं, बहुत मैं तमामी लोगों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। डॉक्टर याजुद्दीन साहब का तो कोई जवाब ही नहीं है, डॉक्टर नासिर साहब जो कल से बने हुए हैं, मैं इन लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। आगे भी कमेंट्री मुजीबुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां मौलाना महबूब साहब है, एक बार फिर सर्विस आउट सर्विस का मौका मिला है पीएनपी पटना को। 8-13 का स्कोर है और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा दोनों टीमों की तरफ से। सर्विस के लिए तैयार, अच्छी सर्विस, सर्विस को संभाला और इस तरह से माल राइट का इशारा, टाइट माल, राइट माल, पॉइंट माल, 9-13 का स्कोर, सर्विस के लिए तैयार। हमारे बीच में राष्ट्रीय पहलवान एवं सदर जिला पंचायत कोटा गोविंद भाई भी इस मैच का लुत्फ उठाते हुए आप सबके सहयोग से यह वॉलीबॉल टूर्नामेंट सफल, ताकि ये 13 का स्कोर पर और इस प्रकार सर्विस 13 का स्कोर है। जगदीश यादव मैदान सुल्तानपुर आप भी इस मैच में शिरकत की है, आप सभी का मैं अपनी कमेटी की तरफ से सहित धन्यवाद देता हूँ। हमारे ग्राम सभा दरगाह के प्रधानमंत्री श्री लक्ष्मण वर्मा जी भी मौजूद है, तमाम इन आगंतुक अतिथियों का मैं इस कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूँ। मंच पर बैठे शिवदेव और साधु जी पांडे जी, डॉक्टर श्रीकांत पांडे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर नासिर साहब, आप सभी आगंतुक अतिथियों का मैं इस कमेटी के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। दोनों खिलाड़ी ये अपना प्रदर्शन करते हैं 14 और इस प्रकार पहला टेस्ट का मैच दरीदी आजमगढ़ ने जीत लिया। दोनों टीमों ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन पहले सेट में गरीडी को सफलता